नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आगे नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना संक्रमण काल में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत के मामले में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिला रही है। आम आदमी पार्टी ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। अयोध्या जनपद में चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण की चपेट में आने से हुई शिक्षक की मौत के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मृतक शिक्षक के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सभाजीत सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सभाजीत सिंह ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह दिल्ली की सरकार शिक्षकों की मदद के लिए कार्य कर रही है, उसी तर्ज पर प्रदेश की योगी सरकार भी मृतक शिक्षकों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है कि योगी सरकार कोरोना काल के दौरान मृतक शिक्षकों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना काल के दौरान हठधर्मिता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सरकार ने केवल अपनी निजी जिद के कारण बिना लोगों की परवाह किए पंचायत चुनाव करवाए, जिसके कारण ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है और हर संभव पीड़ितों की मदद भी करती रहेगी। वहीं मृतक शिक्षक के पुत्र का कहना है कि जब से पिता की मौत हुई है तब से अब तक शासन व प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। मृतक के पुत्र अमन मिश्रा ने बताया है कि पिताजी का जो सेविंग अकाउंट था उसी से घर का खर्च चल रहा था, इसके अतिरिक्त आय का कोई स्रोत नहीं था। उसने यह भी बताया कि कुछ शिक्षक थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन शासन व प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। पिताजी को जैसे वो ड्यूटी पे गए थे, उनके बाद से उनको बुखार आना चालू हो गया। तो पहले आए, जिस दिन आए तो उस दिन नहाए तो मतलब मुझे ठंडी लग रही है मेरे को, लेकिन डोलो देख के वो अलग रूम में सो गए, क्योंकि उनको था कि इधर था कि कुछ अलग ना हो जाए, अगर सही हो जाता है तो ठीक है। दूसरे दिन, 2 दिन के बाद गए हम लोग, हम लोग की मौसी भी ख़त्म हो गई थी इसलिए हम लोग उधर बिजी थे, लेकिन उनको डॉक्टर को दिखाने को बोल दिया था। हाँ, तो वहाँ पे पता चला कि पहले डॉक्टर को दिखाया था टाइफाइड वाइफाइड है, नॉर्मल फ़ोन से बात करके उन्होंने पता किया कि डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो बात अटके, तो उनको पता चला कि बीमार है, मतलब टाइफाइड वाइफाइड का लक्षण है ये सब। ब्लड टेस्ट बाद में करवाया, पहले तो टाइफाइड से पता चला कि टाइफाइड है, फिर लगा कि सही नहीं हो रहे, तो हम लोगों ने बोला चलो कोरोना जाँच भी कराते, तो उधर साइड हम लोग कोरोना जाँच कराया, तो जो फर्स्ट नाक से होता है उसमें निगेटिव आया, तो रात में दूसरा आया ही नहीं हम लोग के पास, मैसेज आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, उन्होंने उनके फ़ोन में नहीं आया। तो हम लोग ठीक है, फिर डॉक्टर को दिखाया, एक डॉक्टर यहाँ पे पर्सनल वहाँ पे बात किए, उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला नॉर्मल कोई बात नहीं है, टाइफाइड ही है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर भी सही नहीं हो रहा था, तो वापस उनकी सांस हल्की फूल रही थी, तो मेरे को लगा क्या चीज़ है, वापस मैं लेके दौड़ा उनके पास, तो उन्होंने बोला जाँच पे लिखा कि एक बार जाँच करा लीजिए कोरोना का। तो हम लोग ने प्राइवेट में जाके जाँच कराया, वहाँ पर पता चला कि उनको कोरोना है। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे बेड मिल नहीं रहा था, तो मैं मेरा ठीक है घर पे, इतना ज़रूरत नहीं थी उनको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक था चल रहा था उनका, तो हम लोग घर पे लाके इलाज कर रहे थे। लेकिन 28 को थोड़ा घबराहट हो रही थी, वो 26 को घबराहट हो रही थी रात को, फिर 27 को वापस सुबह सुबह एकदम खाते खाते एकदम सांस फूली और एकदम वो एक ही बैग मेरा अटैक आ गया उनको फट से, कुछ सोच में नहीं, जब तक हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था, अंदर नहीं ले जाने दिया गया, तो फिर हम लोग वापस वहाँ से ले आए। शिक्षा टीचर लोग थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट सब मांग मांग के अप्लाई करने का तक किया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब पैसा मिला है, कुछ मिला है ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम लोग जो पापा का फंडिंग था वही चीज़ का अभी हम लोग चल रहा है, 2 महीने की सैलरी, अभी 1 महीने की सैलरी अभी आई, तब से अटकी हुई थी वो, अभी मिला तो उसी से घर चल रहा है, अभी कुछ ऐसा मदद नहीं मिला। अमन मिश्रा। सरकार ने अपने हठबाधिका के तहत उत्तर प्रदेश से पंचायत के चुनाव कराए और जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए और 1600 से ज़्यादा शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से उनकी मौत हुई। फैजाबाद में राजकरण इंटर कॉलेज के टीचर राजेंद्र मिश्रा जी, जो आर्ट के टीचर थे, जो खुद पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने गए थे,
और संक्रमित होकर लौटे, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। उस परिवार से हम मिलने आए थे, परिवार के पार्टी की तरफ से हमारी पूरी संपत्ति है और हम लोग ये मांग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो भी लोग शिक्षक कोरोना जो संक्रमित से जिनकी मौत हुई है उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी सरकार दे। और जिनके राजेंद्र मिश्रा जी का परिवार ऐसा है कि जो अकेले थे कमाने के वाले, उन्हीं की कमाई से परिवार चलता था, अब आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है तो परिवार के एक तो आर्थिक इनकम खत्म हो गई, दूसरे परिवार का गार्जियनशिप खत्म हो गया। तो ऐसे मौके पर मेरी सरकार से अनुरोध है कि सरकार ऐसे परिवारों के साथ खड़ी हो और तत्काल परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दे।